हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। यस, पहला किसका डाउट था? अशोक। यस सर। कौन सा डाउट था अशोक? सर मैं वो क्वेश्चन ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ओके ओके। तो पहले हम POM 2 POM 3 सर बस एक कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछना था सर। ओके ओके। हाँ हाँ सर, अगर एक क्यूब है पानी के ऊपर और बोला फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट, तो सरफेस टेंशन इनटू 4N होगा, राइट? क्यूब जो है पानी के ऊपर है। यस सर। एंड लाइक एक मिनट, लाइक लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। टाइम टू आस्क। पानी के सरफेस पे क्यूब और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ऐसा। तो सर मैंने फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड कर दिया। ओके ओके। सो ये ऐसा क्यूब है ना, पानी के सरफेस पे ऐसा है और पानी तो ऐसा रहेगा, राइट? जो भी पानी ऐसा लिफ्ट उठा रहेगा ना पानी ऊपर, राइट? यस सर। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा, तो यहाँ पर S into L इधर आ जाएगा, S into L इस साइड आ जाएगा, राइट? सभी साइड्स। यस सर। 4SL हो जाएगा ना सर? S into 4L आएगा। यस अवंश। ओके सर, थैंक यू सर। अशोक का, यार अशोक का वाला जो फाइल है एसटीपी क्या, उस वाला कोई शेयर कर सकता है क्या? अमोक, वो जो उसमें से क्वेश्चन है शायद उसका ना, फिर उसने ग्रुप पे सर, उसने ग्रुप पे क्वेश्चन डाला। ओके हाँ, तो कैन यू शेयर अमोक सर? मेरा अभी फोन वेब पे व्हाट्सएप ओपन। ओके ओके ठीक है। किस फोन शेयर कर सकता है अभी? एडन वो कैन शेयर जल्दी से, कौन सा शेयर कर सकता है उस क्वेश्चन में के लिए? वो चाहिए डायग्राम सर, मैं कर सकता हूँ। देवेश, एक मिनट देवेश, रेज योर हैंड। यस देवेश। हाँ सर, नहीं मैंने भी क्वेश्चन डाला है ग्रुप पे। आप एसटीपी डिस्कस करोगे ना, मतलब वो क्लास इलस्ट्रेशंस? वेदांत सर अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हो? तो वेदांत। यस सर। यस यस। हाँ हाँ, अपन डिस्कस करेंगे ना। हाँ सर, मैंने भेजा सर POM 2 और 3 PDF भी, क्वेश्चंस लोगे ना उसमें से? ठीक है करते हैं। हाँ पहले तो उसका अशोक का कर। सर 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 आप ना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हो? श्योर सर।
ये वाला 12th वाला अशोक दिस वन नो सर मैंने ग्रुप पे भेजा व्हाट्सएप के ओके सो एसटी कैप नोट्स कर एसटी कैप नोट्स में बबल्स वाला क्वेश्चन है हां यस 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 करेक्ट यार यहां पर जो है अभिनव आर यू देयर अभिनव मंथन यस सर यस मंथन देखो यहां पर जो है दो बबल्स है अब यहां पर जो है देखो ये वाला हो गया है ना तो सपोज ये जो मॉलिक्यूल है इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं भाई है ना तो लोगों ने लाइंस ड्रॉ करके दिया हुआ है ये ऐसा एक लाइन ये लाइन ये लाइन है ना तो इक्विलिब्रियम देखेंगे तो एंगल्स फिर इक्वल ना अगर ये टाइप ऑफ जो है एक जिस मॉलिक्यूल जिस मैटर से बना है वो भी उसका मैटर सेम है तो फोर्सेस के लिए इक्वल है तो मतलब फिर उस केस में हम बोल सकते हैं ना ये वाला इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस सर तो ये प्योर सिमेट्री से बोला है ना यस 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 मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेम बिकॉज सेम मतलब लामीस थ्योरम वो वाला यस यस सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो एक किसी किसी पे हम इक्विलिब्रियम वाला फोर्स लगाते हैं तो उसमें उस बेस पे अच्छा ठीक है सर ओके सर फिर रिपीट कर सकते हो रीजन हां जैसे इस यहां का जो मॉलिक्यूल है हम उसका इक्विलिब्रियम दे रहे हैं और ये जो सोप बबल जो है सेम मतलब इस साइड जो मैटर है वही मैटर ये वाला है ना तो इन लोगों ने जो टेंजेंट जो लाइन ड्रॉ किया इस पे फोर्सेस दिखाएंगे तो इस पे फोर्सेस ये वाला एक आ जाएगा ऐसा आ रहा है ऐसा है ना फोर्सेस यस एक तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम ओके सर ओके सर तो फिर 120 आ जाएगा ओके गॉट इट ठीक है सो नेक्स्ट कौन सा था सर पर एंगल वंडर हो गया मेरा तो मैंने आपको मैंने ग्रुप पे डाला है ग्रुप पे एक मैंने क्वेश्चन डाला है सर चलो ठीक है भाई ये रिस्पोंसिबिलिटी प्रॉब्लम 4 का क्वेश्चन नंबर 16 एक मिनट जाओ सबका अलग अलग है ऐसे करके एक ऑर्डर से करते हैं रिस्पोंसिबिलिटी से करना है क्या लोगों को हां सर एक हम लोग ने सर चलो एक डाउट है पीओएम 4 करते हैं ना सर देवेश हां बोला वहां से शेयर करो ना यार करके अच्छा सर रिस्पोंसिबिलिटी से शेयर करो चलो इसको बंद कर देते हैं हां एक मिनट सर हो गया ना देवेश नहीं होता आज क्लास में आपने थोड़ा सा करवाया देवेश इसमें कोई डाउट है क्या इसके फाइल्स में कोई डाउट हाँ सर एक और था एक ऊपर था तुम्हारा ही डाउट था क्या हाँ सर ये जो एक ग्रेड वाला मार्क किया अरे वाह गुड हाँ क्या क्या क्वेश्चन है बताओ भाई वाटर राइजेस टू अ हाइट एच इन अ कैपिलरी लोअर्ड वर्टिकली टू अ डेप्थ एल हाँ डेप्थ एल शोन इन द फिगर द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड हाँ द ट्यूब इज टेकन आउट एंड ओपन अगेन द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम रिमेनिंग द ट्यूब अरे हाँ ठीक है भाई देखो देवेश इसमें क्या किया ट्यूब जो है भाई ट्यूब का क्या चक्कर है ट्यूब का लेंथ देखो क्या दिख रहा है ट्यूब को पानी में डुबोया है ना लोअर एंड तो उसमें एल नीचे दिख रहा है पानी हाँ एल नीचे है और यहाँ तक एच साइड तक पानी उठा हुआ है अब इसको क्या किया ये वाला एंड को बंद किया अब यहाँ पर बाहर निकाला बाहर निकालने के बाद खोल दिया ठीक है चलो खोल दिया अब जैसे ही खोल दिया तो क्या होगा पानी अब भाई अगर काफी बड़ा होगा याद है पूरा गिर जाएगा पानी यार है ना तो अब जो है अब ये कितना रह सकता है मैक्सिमम भाई यहाँ पर तो अब यहाँ पे कैपिलरी राइज कितना हुआ कैपिलरी राइज तो इस मेम्ब्रेन के कारण होता है राइट वही तो आएगा देखो यहाँ पे पी नॉट मेम्ब्रेन के इधर जाएंगे तो पी नॉट माइनस टू एस बाई आर बराबर रो जी एच ठीक है पीनॉट माइनस एस बी अरे क्या लिखा पीनॉट माइनस टू एस बाई आर प्लस रो जी एच बराबर पीनॉट तो जितने का डिक्रीमेंट हुआ उसकी वजह से राइज हुआ देवेश हाँ सर हाँ सर बट फिर वो लाइक आफ्टर रिमूविंग फिर तो नीचे के साइड भी वो जैसा बनेगा एक मिनट जाओ एक मिनट को भाई अब जो है अब जब आपने यहाँ डाल दिया देवेश उसको अब यहाँ पर जो है अब जब खाली कितना रह सकता है अपन ने निकाला था भाई कितना रह सकता है फिर उसमें और एक मेम्ब्रेन आता है अरे सुबह तो किया था अशोक वाला जो पूछा था अशोक ने कि जो है ये ऐसा अशोक का था या आशुतोष का था एक क्वेश्चन था कि अब जब खाली छोड़ दिया स्ट्रॉ हाँ सॉफ्ट ड्रिंक का स्ट्रॉ उसमें क्या हो सकता है यहाँ पी नॉट लिखो भाई ये वाला लिखो पी नॉट माइनस टू एस बाई आर इसको यहाँ से यहाँ तक नीचे ले आओ तो पी नॉट माइनस 2s by r plus rho g h1 हाँ यहाँ तक आ गए फिर मेम्ब्रेन के अगेन जाएंगे और डिक्रीज होगा क्या लिखोगे p not ये वाला वैल्यू p not minus 2s by r plus rho g h1 minus 2s by r वापस एयर में आ गए हाँ यहाँ पर ये p not
तो इसको और इसको उड़ा दो तो यहाँ से h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4s/r और यहाँ पे h1 की वैल्यू कितनी आई 2s/r, यहाँ पे h1 की वैल्यू देखो 2s/r आई और यहाँ h की वैल्यू और यहाँ h1 जो मैक्सिमम रह सकता है हाँ कितना रह सकता है h1 4s/r। देवेश याद है ठीक है? हाँ सर। और h1 बराबर इसको h0 बोल दो ना यार, h0 बोल दो चलो या h बोल दो जो भी है, तो h1 बराबर 2h चलो हाँ h1 जो है 2h मतलब मैक्सिमम हो सकता है ना। अब जो है देखो तो ये वाला ट्यूब मतलब मैक्सिमम इसमें कितना रह सकता है 2h रह सकता है चलो ठीक है। अब जो है अगर l plus h भी डिसाइड करेगा ना यार, अगर l plus h हाँ ये l plus h 2h से ज्यादा है if this length यहां से यहां तक l plus h 2h से ज्यादा है तो मैक्सिमम कितना लिक्विड अटका रह सकता है 2h हो जाएगा फिर 2h हो जाएगा। अब अगर l plus h छोटा है L plus H जो है 2H से छोटा है तो उस केस में कितना लिक्विड रह सकता है भाई L plus H राइट? हाँ सर समझ। अब तो इसमें आंसर क्या आएगा फिर, आंसर क्या सर? हाँ एक मिनट, इसमें आंसर कुछ क्या आएगा ये इसमें आंसर गाइस, इसका आंसर क्या होगा फिर? क्या आएगा ना दोनों डिफरेंट केसेस है ना? अच्छा नहीं अच्छा नीचे तो बंद किया ट्यूब को करेक्ट, अच्छा हाँ ये है ना सर, उसके कारण आप यूज कर पा रहे हो ना ये रिजल्ट दोनों का। ओके सर यस सर। देवेश इसमें और कौन सा डाउट है? जय सर इसके ऊपर वाले में है, बताओ बताओ जय सर, उसमें x स्पेशल लोग ने 4s/r लिया, 2s/r होना चाहिए ना उसके इसके प्रीवियस क्वेश्चन में a10 में। देवेश मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ सर ओके भाई इसमें हाँ भाई ऊपर वाला कौन सा है भाई थोड़ा सा ऊपर प्लीज ले जाओ। हाँ चला गया क्वेश्चन ये वाला 10th वाला बोल रहे हो क्या अनवे? नहीं, यहाँ तो पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया है ना, तो यहाँ पर यहाँ पे भी वही हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच ठीक है। अब यहाँ पर जो है अंदर भी एयर बबल है ना, हाँ अंदर भी है बाहर भी है चलो ठीक है भाई, तो यहाँ का पी नॉट लिखो तो अंदर का क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस 4s/r बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, इज दिस करेक्ट क्या दिस वन गाइस? सर वो बबल लिक्विड में डाला है ना? नहीं ये वाला तो हवा में, मतलब लिक्विड में फॉर्म हुआ है ना? नहीं ये वाला बबल एयर में ना गाइस, ये वाला जो है बबल ऑन ओपनिंग द कॉर्क ऑन ओपनिंग स्टॉप कॉर्क ए बबल इज फॉर्मड एट बी, बबल इज फॉर्मड एट बी, ये तो एयर में ही है ना भाई, बाहर भी एयर और यहाँ तो एयर ही है बबल फॉर्म हो रहा है मतलब राइट? अच्छा ओके सर एयर है ओके सर, ये वाला कॉर्क ओपन किया है भाई है ना। इसी सर मुझे एक और डाउट है मैं भेजूं और इसी में नहीं इसमें नहीं सर मुझे बस कंफर्म करना है
एक मिनट जाओ जाओ चलो हाँ ये वाला गाइस इस पीडीएफ में सबका हो गया ना सर एक मिनट एक बार चेक कर लेता हूँ कैन यू डिस्कस B10 ये A10 डिस्कस करना है सर B10 B10 हाँ गाइस बोला B10 वाला कौन सा क्वेश्चन है निकालो रिवेज वाला B10 कहाँ चला गया ये वाला हाँ B10 क्या दिखा है इसमें A cylinder with a movable piston contains air at pressure P1, हाँ, so bubble of radius R1, तो दो situations बने ही लग रहा है, चलो bubble, ये बाहर का pressure P1 और ये radius R, हाँ, और ये piston है, ठीक है, तो यहाँ पे वही लग रहा है कि question पढ़ कैसा लग रहा है, Boyle's law surfaction का concept use होने वाला है, हाँ, the pressure to P2 which the it should be compressed, this is compressed by तो अंदर हो गया प्रेशर P2 कंप्रेस्ड बाय स्लोइंग मिशन फॉर द सोप बबल टू रिड्यूस साइज बाय हाफ तो रिड्यूस इसका रेडियस आधा हो जाना चाहिए R/2 चलो ठीक है द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा टेंपरेचर मेंटेन कांस्टेंट ओके टेंपरेचर मेंटेन कांस्टेंट तो बबल के मोल्स पे इक्वेशन लगाते हैं P1 V1 मतलब P ऑफ द एयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू P ऑफ द एयर फाइनल इनटू वॉल्यूम हां तो आप क्या लिखोगे फिर वॉल्यूम बराबर 4/3 πr/2 क्यों लिखोगे और सो व्हाई प्रेशर ऑफ द एयर प्लस द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू द मेंब्रेन हां नहीं नहीं अभी तो मतलब पी ऑफ द एयर इनसाइड लिखा है ना अब लिखने वाला हो ना रुको ना अच्छा ओके एयर इनसाइड तो बबल यू मीन यस एयर इनसाइड ओके अब क्या लिखेंगे नॉट इसका सरफेस टेंशन कहां गया है क्या लिखा है सरफेस टेंशन सिग्मा लिखा है तो 4 S की जगह सिग्मा बाई आर है ना ये इक्वेशन हो गई इधर वाली और फाइनल वाली क्या होगी P2 प्लस हाँ 4 सिग्मा डिवाइड बाय R/2 तो पहले इसका इसका रेशियो लेंगे तो ये 8 वाला टर्म उधर चला जाएगा तो 8 टाइम्स P1 प्लस 4 सिग्मा बाई आर इज इक्वल टू P2 प्लस 8 सिग्मा बाई आर यार यहाँ से करना होगा P2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी Yes, sir. Got it. Thank you. So we had such same sum in exercise 4, right? Oh so yes, yes. Haan. Values the usme. Correct. Same ka. Yes. Sir, mujhe isme POM 3 mein doubt hai. Isme doubt hai P1. Yes, sir. POM 3 mein mujhe bhi doubt hai, sir. Chalo, theek hai. P1 3 mein nikalo. Devesh, bhai, batao kaun sa doubt hai? Sir, uske integer, uske. Chal, last wala. Sir, 16. सर उसके सेकंड लास्ट इंटीजर में मुझे बस कंफर्म करना था कि उसका गलत आंसर आ रहा है क्या नहीं सर सही आ रहा है कौन सा वाला भाई ये वाला सर आप दोनों हां सर ये दोनों में भी डाउट है एक रुको सर ये दोनों कर दो ना एक बार सर मेरा एक्चुअली डेसिमल में आंसर आ रहा था इसका एक बार देखो क्यूब ऑफ मास दिया है वेटेबल बाय लिक्विड फ्लोट्स ऑन द वाटर ठीक है वेटेबल बाय लिक्विड फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस ईच फेस ऑफ द क्यूब इज इतना सरफेस टेंशन इतना ये है फ्लोट्स दिया है हां तो भाई अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स और ये क्या हो गया हाँ सो अप और डाउन को इक्वेट करते हैं अब कौन सा लिख रहा है यार अब तो एक बायन फोर्स दिख रहा है बायन फोर्स क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर और उसका वॉल्यूम सब में आएगा सो कैन यू ड्रॉ द डायग्राम आई डिडंट गेट द डायग्राम इट्स सर इसमें हम लोग सरफेस टेंशन मतलब चार ही फेसेस पे लेंगे लेंगे ना यस सर मैं इसका ही पूछ रहा हूं सर वैसे करके डेसिमल में आंसर आ रहा है 2.3 आता है हाँ सर 2.3 आ जाता है आंसर देखो जाए ये ऐसा है ना पानी यहाँ लिक्विड चिपका होगा और सब मेम्ब्रेन जो इसको नीचे खींच रहे होंगे है ना जाए ये जो है ये तो ये वाला व्यू हो गया यहाँ पानी भरा हुआ ये पूरा पानी वाला अगर इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो फ्रंट व्यू में ये इधर और ये ऐसा दिखाओगे है ना और ये मान लो एक्स डूबा हुआ तो बायंड फोर्स क्या लिखोगे रो इनटू ए स्क्वायर इनटू एक्स इनटू जी बराबर डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा डाउनवर्ड फोर्स कौन सा क्यूब है ना नहीं एमजी दिया सर एच भी लेंगे ना अरे हाँ एमजी दिया ना बायंड फोर्स में एच मतलब उसका सबमर्ज पार्ट एक्स लिया ना हाँ अच्छा एक्स उसको क्या लिखा है लोगों ने सबमर्ज पार्ट क्या लिखा है सर नहीं मुझे लगा वो मल्टीप्लिकेशन का सर एच ले लो बिकॉज़ वो एक्स प्लस 0.3 है तो 0.3 एच लो ठीक है भाई इसको एच ले लो ये एच लिया अब डाउनवर्ड फोर्स में क्या जाएगा एम जी और सरफेस इनका फोर्स 4 एस इनटू ए तो
गाइस इसमें से एच की वैल्यू क्या आएगी, किसी का आया था क्या कैलकुलेशन यार ये वाला? यस सर 2.3 आया, 2.3 2.33 आता है। यस सर। ओके यस भाई। हां सर, आपने कैसे कंक्लूड किया कि सरफेस टेंशन डाउन की डायरेक्शन में लगेगा? ओ नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो, तो पानी क्या होगा, उठेगा ऐसा। अब पानी उठ के ऐसा सरफेस पे साइड पे पूरा चिपकेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। अच्छा ओके सर, गॉट इट। मलाई जैसे साइड में फॉर्म हो गई भाई, और ये मलाई नीचे है ना। हम ओ यस सर, गॉट इट। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट सर आप एक बार 27 की कर दो ना। 27 क्या भाई? यस सर 27। वाटर ड्रॉप्स फॉल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द डिफरेंस इन कर्वेचर ऑफ द सरफेस एट द टॉप एंड द लोअर पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वर्टिकल एच इज गिवन एज। ठीक है इसमें जो है ओ सर, सारे पॉइंट्स के प्रेशर होकर निकाल के हो जाते हैं। चलो एक मिनट, जैसे बोल रहे हो सर, आप इसका डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं पहले? एक मिनट ये सर, बट इसका एप्रोक्सीमेशन मुझे एक्चुअली समझा नहीं। एक मिनट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर का और इधर का अलग अलग बोल रहा है ना। चलो यस सर भाई, यहाँ का पी नॉट डालो, यहाँ का पी नॉट रखेंगे, यहाँ का कितना आ जाएगा? ये ड्रॉप है तो पी नॉट प्लस अनवे, ये क्या होगा 2s/r1। यस सर। और इधर का आ गया पी नॉट प्लस 2s/r2 प्लस रो। अच्छा अरे ये वाला यहाँ का प्रेशर भाई, अब जो है दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई? दिस वैल्यू प्लस रो जी इज बराबर दिस वैल्यू, तो दैट मींस पी नॉट कटने वाला है 2s/r1 प्लस रो जी एच बराबर ये कितना हो जाएगा 2s/r2। दोनों साइड से पी नॉट उड़ा दिया, तो अब जो है रो जी एच बराबर 2s टाइम्स 1/r2 माइनस 1/r1। यस सर। ये लिखो, ये वाला हो गया r1 - r2 और ये वाला r1 - r2 इज रो जी एच। हाँ सर, इसके बाद क्या करना है? अब जो है निकालना क्या है यहाँ पर आपको सर, इसमें r1 - r2 सर एक्चुअली इसमें यहाँ पे एप्रोक्सीमेशन r1 = h/2 लिया है, तो वो मुझे समझा नहीं। नहीं अब क्या लिखेंगे, रो जी एच 2s डेल्टा r लिखा, r और कुछ नहीं दिया है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान के जो है ठीक है ऐसा ले लिया क्या इसको? ठीक है, मतलब ओहो मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंस बहुत कम होगा, तो r1 ऑलमोस्ट स्फेरिकल लिया इसको, और ये r1 + r2 को डायमीटर बोल दिया। तने r1 r2 को h/2 लिया, तो वो तो स्फेरिकल ही, हाँ स्फेरिकल ले लिया, डायमीटर का आधा, मतलब डिफरेंस बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे ऐसा। हाँ, तो ये वाला हो गया h/2। हाँ सर, they have also written using proper approximation h/2 और h/2। हाँ अशोक। हाँ सर, इससे आंसर आ जाएगा सर। पर ये proper approximation कैसे क्लिक होगा सर? मतलब हाँ सर, वही असली में ऐसा थोड़ी होता सर, लास्ट स्टेप तक हो गया था, खाली approximation नहीं हुआ। यस सर, सेम। एक दो बाउंसर तो आते हैं ना यार मैच में, तो वो वाला मैंने पहले, पर मतलब ड्रॉप ऐसा दिखता भी नहीं है ना सर। यस एक्चुअली शायद ये ना इरोडोम में है स्टैगर पोजीशन, तो वहीं से चल गया। हेलो सर, सॉरी सर, कैन यू प्लीज लाइक टेल द एप्रोक्सीमेशन अगेन वंस? हां अब देखो भाई, इसका जैसे भाई जैसे आपने अभी पढ़ रहे हो ग्रेविटेशन, हां तो उसमें केपलर्स लॉस प्लैनेट का जो है ऑलमोस्ट क्या, हां पाथ एग्जैक्ट बोलोगे तो क्या है अभी वो जो है एलिप्स है, एलिप्स है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर एक्सिस हार्डली 3-4% का होता है ना? यस सर, हार्डली 3-4% का है, तो उस टाइप से मान लो कि भाई रेडियस ऑलमोस्ट ये वाला सेम ही है, तो रेडियस सेम है तो फिर ये परफेक्ट स्फीयर जैसा, r1 + r2 हो गया डायमीटर h और दोनों बराबर, तो r1 = r2 = h/2। निश्चित, गॉट इट सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, इसका सिर्फ ए और बी का मेरे को आंसर उल्टा आ रहा आंसर की सर। यार इसका कोई बताओ भी कैसे करना है इसका?
और क्वेश्चन सर, h इक्वल टू 2s cos थीटा बाय रो जी आर लिखेंगे एंड देन जैसे जैसे हम मतलब हम लोग मानेंगे कि h इज प्रोपोर्शनल टू मास, सो अगर h आधा हुआ तो मास आधा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आ जाता है। सर मैंने लिखा कि 2t cos थीटा इज इक्वल टू m नॉट इनटू g और cos थीटा को रेडियस ऑफ कैपिलरी ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। और फिर सर उससे मैंने फॉलोइंग ऑप्शंस पुट किए तो ए का क्यू और बी का एस ऑप्शन आ रहा है, पर आंसर की उल्टा दिया है। यार इसका सॉल्व करना पड़ेगा क्या? क्या है डेविड, इसका सॉल्व करना पड़ेगा क्या? इसका ठीक है यार, इसका क्या हो गया? लॉन्ग सिलिंड्रिकल लिक्विड और इतना दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा और ये द मास ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब इज इतना, तो इक्वेशन क्या जाएगा तुम्हारा? 12 वाला ऊपर ले चलो देवेश एक फाइव प्रीवियस क्वेश्चन वाटर राइजेस टू हाइट एच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स क्या प्रीवियस क्वेश्चन टू वर्टिकल प्लेट्स आर इन वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी लेंथ इज एल। ओके ये ऐसा वो ये टाइप का एग्जाम जो किया था हमने, ये ऐसा है ठीक है भाई। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस टेंशन ये ऐसा, और इसमें पानी उठ जाता है एच हाइट तक, ठीक है भाई पानी उठा एच हाइट तक और ये पानी का सर ये ऐसा आ गया और पानी नीचे है यहाँ तक, है ना। अब किसी एक प्लेट को पकड़ना है ना, किसी एक को एक प्लेट को पकड़ो भाई। अब जो है इस वाला पार्ट देखो गाइस, ऊपर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में इस साइड भी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई इश्यू नहीं है, है ना। अब यहाँ तक तो ठीक है भाई, जब इश्यू कितने पार्ट में है, जितना पार्ट राइज हुआ है ना, इतना पार्ट राइज, यहाँ तक तो सब, यहाँ तक में इधर भी जो लिक्विड है वही जो है गाइस वही निकालना है ना हमें, यहाँ पर इधर भी पूरा लिक्विड ही भरा हुआ है, तो दस ये जो शेडेड रीजन में वहीं पर ही डिफरेंस ऑफ फोर्सेस आ रहा है, उस डिफरेंस ऑफ फोर्सेस की वजह से जो अट्रैक्शन या रिपल्शन डिसाइड होगा। चलो ठीक है, अब कैसे करें वहां पर? तो ये प्लेट पकड़ो यहाँ तक, ये प्लेट इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया है ना, चलो ये वाला पॉइंट हो गया। अब जो है यहाँ पर, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, लोएस्ट पॉइंट पी नॉट है भाई, यहाँ पर पी नॉट, और यहाँ ऊपर, यहाँ पर जैसे ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जैसे यहाँ अंदर गए तो जो है गाइस ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला yes, देखो sir. ये वाला जो है मतलब ये ठीक है, सॉरी ये तो नेगली ड्रॉ करता हूँ। चलो देखो आपका ये ऐसा प्लेट है, इसमें यहाँ पर राइज हुआ ठीक है, ये दो प्लेट्स, इसमें लिक्विड ऐसा राइज हुआ, ये ऐसा प्लेट और यहाँ पे लिक्विड राइज, ये कर्वेचर का मेम्ब्रेन बहुत ही है छोटा, अब यहाँ पे जो है ये राइज, यहाँ तक लिक्विड भरा है सोचो ऐसा, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू में ऐसा है, ये ऐसा ठीक है। तो अब जो है गाइस यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर है ना इश्यू बिगिन होता है यहाँ से, चलो ठीक है, यहाँ का प्रेशर इस पी, यहाँ का पी नॉट, यहाँ का भी पी नॉट, तो ठीक है। अब इस साइड देखते हैं, यहाँ पर पी नॉट था, यहाँ पर माइनस है, तो मतलब देखो यहाँ पर पी नॉट इसके जस्ट अंदर, बाहर तो ठीक है पी नॉट ये थ्रू आउट भाई कोई इश्यू नहीं, यहाँ पर स्टार्ट हुआ पी नॉट माइनस टू एस बाय आर, और यहाँ पर क्या है पी नॉट और यहाँ पे भी पी नॉट, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर देखते हैं, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है तो यहाँ पर नीचे पी नॉट माइनस टू एस बाय आर प्लस रो जी एच होगा ना, आपने दोनों साइड पी नॉट बता दिए। हाँ पी नॉट माइनस टू एस बाय आर प्लस रो जी बराबर पी नॉट, उसी से तो एच निकालते थे। हाँ सर राइट, चलो अब होगा ना, हाँ कुछ रॉन्ग बोला क्या? सिलेंड्रिकल होगा ना तो एस बाय आर नहीं होना चाहिए। अरे ओह एस बाय आर, एस बाय आर, हाँ यस सर, एस बाय आर
करेक्ट करेक्ट गाइस, एस बाय आर होगा यार। चलो इसको टू हटाते हैं, गुड यार, गुड पॉइंट। क्या ऑप्शन एलिमिनेट करते हो क्या? हाँ, तो आपका ये तो एस बाय आर करो, है ना, पी नॉट। तो यहाँ से गाइस ये आया एस बाय आर, तो एस बाय आर प्रेशर हो गया, है ना, एक्सेस एक्स्ट्रा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा इज जीरो। अब हमें इस कितने पार्ट पे निकालना है यार, इसको इंटीग्रेट कौन करे, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया कर देते हैं। तो एस बाय आर इधर जीरो, एस बाय आर प्लस जीरो इज एस बाय टू आर इंटू एरिया। इसका एरिया क्या होगा, ये वाला हाइट एच है और ये वाला डायमेंशन क्या है एल, तो ये क्या हो जाएगा एच इंटू एल, तो इससे क्या आएगा। हाँ गाइस, और इसमें इसमें से कुछ आंसर अपना वाटर राइजेस टू एच है, एच हाइट है। तो और हमारे पास कुछ ऑप्शन, पहला इक्वेशन कितना आया था टू, जब हम एच कैसे निकालते थे, टू एस इंटू एल इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखते थे रो इंटू एल इंटू एच इंटू डी इंटू जी, है ना। अब गाइस इससे जो है एस की वैल्यू उड़ा के कुछ आएगी क्या आंसर, एस इंटू एल, आर को क्या लिखेंगे, आर को डी बाई टू लिखेंगे ना गाइस, आर को डी, यस सर, यस सर, आर को भाई डी बाई टू लिख रहा हूँ मैं ना। अब यहाँ से निकालोगे क्या आएगा, अरे याद है डेरिवेशन में हमने कुछ जो पॉइंट्स लिए थे, जो 1 2 3 4 5 6 7 वाला पॉइंट्स, जिसमें हाइट राइज निकाला था, हाइट राइज कैसे निकाला था, दो तरीके से निकाले थे, एक फोर्स वाला अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स ओके, mg इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स का सपोर्ट, या वैसे नहीं करना है तुम्हें तो कोई बात नहीं, यहाँ से चालू हो जाओ, p नॉट लिखो यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, p नॉट माइनस s बाय r प्लस रो जी h इज इक्वल टू p नॉट लिखोगे, तो वही आ जाएगा ना, क्या जाएगा तुम्हारा s बाय r इज इक्वल टू रो जी h, यस सर, व्हाट यार, ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या, इससे आंसर आएगा क्या? आपको F से इक्वल कर दिया ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड करना है। हाँ, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर इनटू एरिया। ओके सर, ओके गॉट इट। नहीं नहीं आंसर आ रहा है कि नहीं, सर आंसर नहीं आ रहा, वो s स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, रॉन्ग है, मतलब क्या रॉन्ग हो गया यार गाइस, इसमें आंसर क्या रॉन्ग है, s को सब्स्टिट्यूट करना, s को रो एल रो एच सी, हां यार सॉरी सर, आपने डायरेक्टली सिग्मा एच से क्यों नहीं किया, सिग्मा एक्स से करना है, यस सर, या फिर से करता हूँ, चलो देखो ये ऐसा नहीं सर, डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, ऊपर हमने एच का तो वैल्यू पता ही है ना, तो डायरेक्टली सिग्मा एच करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, यस सर, एक प्लेट पर, ओके ओके, नहीं एच की वैल्यू तो मुझे 11 पता नहीं था, तो मैं तो कैलकुलेट कर रहा था कैसे निकाला, ओके सर, 11th में मैंने क्या किया, 11th में मैंने ऐसे कर लिया कि देखो p नॉट माइनस s by r, r की जगह लिखा भाई, r की जगह लिखा d by 2 plus rho g h is equal to p naught ना, तो इससे जो है क्या ये height ठीक आता है, सही बताओ h की value कितनी आई, 2s by rho g d आ रही है क्या, yes sir, yes sir, अब ये आ गई, अब मुझे force निकालना है, तो force निकालने के लिए मैंने क्या किया, average pressure into area, average pressure क्या हो जाएगा, ये तो हो गया ना भाई, ये वाला कितना है s by r, मतलब 2s by d, है ना, 2s by d plus 0 by 2 into area, area को मैंने लिखा वही l into h, तो मेरा ये वाला value कितना आ जाएगा, slh by slh by d क्या, okay. अब क्या इन दोनों टर्म से आएगा, s की value हटानी है, s की वैल्यू हटा के पिछले क्वेश्चन से s / d को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हां सर आ जाएगा, आता है क्या देवेश, एक बार चेक करो भाई, हां सर आ गया, वो मिस्टेक था, यस सर आ रहा है ना, हां चलो, हां ओके, सर क्वेश्चन छोटे हैं सॉल्व कर, 16 करवा दो ना सर, छोटे तो था ना, कोई तो आईसी में था, चलो
सर इसका रीजन एक बार बता सकते 13 वाले का यार 13 वाला है एक बार कोई ऑन करो 13 हेलो सर यस यस 13 प्रेशर कितना होगा इसको पी वन बोल दो पी वन प्लस पी वन होगा पी वन प्लस चार एस बाय आर वन आर वन छोटा है और यहाँ का पी टू हो जाएगा पी नॉट प्लस चार एस बाय आर टू तो यहाँ से हो जाएगा P1 बड़ा P2 से यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो एयर का एयर मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे लो प्रेशर साइड तो ये इधर के मॉलिक्यूल्स मूव कर गए ये वाला और छोटा हो जाएगा और है ना थैंक यू सर छोटा कैसे होगा मतलब प्रेशर कम हुआ तो रेडियस विल इंक्रीज ना किसका यहाँ के मॉलिक्यूल्स कम हो गए हाँ सर तो प्रेशर कम हुआ ना ओके यू आर सेइंग कि यहाँ से जो है हाँ मॉलिक्यूल्स अगर कम हो गए तो अगर मॉलिक्यूल्स जैसे वही बैलून से अगर एयर निकलते जा रहा है तो बैलून का साइज विल डिक्रीज ना सर बट अगर इक्वेशन से देखेंगे तो प्रेशर बढ़ता है अगर रेडियस कम हो रहा है ना 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 नहीं जब एन कांस्टेंट रहेगा तब ना एन तो बाहर निकल रहा है ना देखो तो मॉलिक्यूल्स है वो बार बार उसको ठोकते रहते हैं पंच करते रहते हैं पंच करते रहते हैं तभी तो ये प्रेशर ऐसा मेंटेन रहता है अब ठोकने वाले मॉलिक्यूल्स निकल गए तो ये कम हो जाएगा ना नहीं अनवे सर इफ यू राइट पी वन इक्वल टू पी नॉट प्लस फोर एस बाय आर वन एज लाइक पी वन माइनस फोर एस बाय आर वन एस इक्वल टू पी नॉट तो मतलब कि RHS एक कांस्टेंट है P नॉट सो सर आप ऐसे लिख सकते हो क्या एक मिनट यू वांट टू राइट P1 P1 माइनस 4S बाय R1 इक्वल टू P नॉट इज इक्वल टू P नॉट हां हां सर सो अब छोटे छोटे वाले स्फीयर से तो उसका प्रेशर कम हो रहा है राइट सो मतलब वो कम हो रहा है मॉलिक्यूल जा रहे हैं हां तो बैलेंस करने के लिए हमें R1 बड़ा करना पड़ेगा ना R1 नहीं अब नहीं मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है ना तो मॉलिक्यूल्स इधर मूव कर रहे हैं सो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल दे आर ऑन देयर ओन तो सर या हमें RHS कांस्टेंट है ना P नॉट सो अब P1 इफ P1 इज डिक्रीजिंग सो माइनस 4S बाय R1 शुड इंक्रीज ना सो R1 शुड इंक्रीज ऐसे आ रहे हैं ओह यू आर सेइंग कि ये कांस्टेंट है और ये वाला जो है P1 is decreasing हाँ yes sir so other term should increase ना sir पर वो तो सिर्फ equilibrium में होगा ना यहाँ पर तो ये जो आया है P1 जो आया नहीं ये वाला जो है P0 plus जैसे तुम बोल रहे हो ऐसा P1 तो इससे इससे obtain हुआ ना for this radius अगर ये R1 और छोटा होगा तो जो है ये फिर ये बढ़ने लग जाएगा ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर तो भाई सेटिस्फाई करने के लिए हमें रेडियस के चेंजेस करने पड़ेंगे ना नहीं नहीं ये जो है वो एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में है ना जब ये इज इन अनचेंजिंग स्टेट बट ये चेंजिंग हो रहा है अभी चेंजिंग है तो P1 ही रह जाएगा P1 डैश हो जाएगा फिर सर इसको आइडियल गैस इक्वेशन से भी बोल सकते हैं कि मतलब वॉल्यूम कम होगा अगर एन कम होगा तो ओके मतलब पीवी इक्वल्स एन आर प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर का क्यों देखेंगे हम लोग अंदर का देखेंगे ना नो अंदर का प्रेशर तो भाई दोनों ये मिलके डिसाइड करेंगे ना लेकिन वो चेंजिंग स्टेट है ओके सर हां चलो हां नेक्स्ट गाइस सर 16
16 बार देखो भाई क्या है, 16 वाले में जो है लॉन्ग कैपिलरी दिया है ऑफ मास, ओके पाई ग्राम्स इतना, रेडियस इतना, नेगेटिवल पार्शियली इमर्स्ड इन इतना, टेकिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ट्यूब वर्टिकली, ट्यूब वर्टिकली, ओके ओके ये ट्यूब है ना, तो ये ट्यूब में जो है लिक्विड, लिक्विड ऐसा है, तो अब लिक्विड जो है, लिक्विड ट्यूब को किधर खींच रहा होगा, नीचे है ना, अगर सरफेस इनका फोर्स लिक्विड को ऊपर ना, तो लिक्विड जो है वही लिक्विड में सरफेस इनका फोर्स नीचे आएगा ना बाय थर्ड लॉ, तो सरफेस इनका फोर्स ऑन दिस ट्यूब कितना हो जाएगा, एस इंटू टू पाई आर, मतलब बेसिकली हम निकालते भी ऐसे थे, कैपिटलाइज कैसे निकालते थे आप, एस इंटू टू पाई आर बराबर एम जी कर देते हैं, है ना। अब डेटा क्या है हमारे पास, क्या निकालना है हमें, द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ट्यूब वर्टिकली, तो फोर्स रिक्वायर्ड, तो अब जो है ट्यूब का मास क्या हो जाएगा गाइस, ये वाला, ये तो एस इंटू टू पाई आर, ये लिक्विड का मास हो गया ना, तो दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड, तो नेट फोर्स, नेट फोर्स ट्यूब पे, अब जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे ट्यूब पे, ट्यूब पे अपवर्ड फोर्स एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ट्यूब इनटू जी, मास ऑफ द ट्यूब इनटू जी प्लस मास ऑफ द लिक्विड राइज, मास ऑफ द लिक्विड राइज मतलब सरफेस टेंशन बेसिकली, एस इनटू टू पाई आर, एस इनटू, ये तो मास ऑफ द ट्यूब इनटू जी, और मास ऑफ द, ये तो लिक्विड राइज हो गया, मास ऑफ द ट्यूब कितना है भाई, पाई, मास ऑफ द ट्यूब पाई ग्राम है, पाई बाई थाउजेंड, पाई बाई थाउजेंड इंटू जी, और प्लस मास ऑफ द लिक्विड राइस, मास ऑफ द लिक्विड राइस कैसे निकालेंगे, हाँ मास ऑफ द लिक्विड राइस गाइस एस इंटू टू पाई आर कर लेते ना यार, इससे क्यों, ये क्यों कर रहे हैं, हाँ ये एस इंटू टू पाई आर, व्हाट इज एस, दिया है पॉइंट वन, ओके पॉइंट वन इंटू टू इंटू पाई इंटू आर, रेडियस इज व्हाट, टू एम एम, इससे आएगा क्या आंसर, हेलो सर, यस हाँ सर, जो वो कंटेनर में जो लिक्विड है सर, वो भी तो कैपिलरी ट्यूब पे फोर्स लगाएगा ना डाउनवर्ड, शुड बी फोर इनटू एस इनटू टू पाई आर, अरे यही वाला तो लिक्विड, ये जो दिया ना, एक तो उसका खुद का मास और ये वाला ट्यूब पे नीचे की तरफ, सर जो नीचे वाला लेवल है ना वहाँ पे भी फोर्स लगेगा ना कंटेनर के बाहर वाला, अरे हाँ बाहर में, टू इनटू एस इनटू टू पाई आर ना सर, फिर वो ऐड ऐड हो जाएगा उसमें, ओके यू आर सेइंग कि यहां का, यहां पे भी जो लिक्विड बाहर है, यस सर, यस सर, इसलिए आएगा शायद, दे दे यू दैट नेगलिजिबल, इसकी बिना लेंगे तो ऑप्शन नहीं आता है, तो लोगों ने कुछ दिया है क्या, टेक द एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो, नेगलेक्ट बायंसी ऑफ द फोर्स ऑफ द लिक्विड, मतलब नेगलेक्ट बायंस ऑफ द, ओके ठीक है ये वाला तो नहीं लिया, नहीं फिर बाहर, ओके बाहर का जो लिक्विड राइस है गाइस, क्या बाहर में भी, लेकिन हाँ मेम्ब्रेन तो फॉर्म होगा ऐसा, ओके आंसर क्या दिया है इसका, ऑप्शन बी दिया है, सर मैंने अंदर वाले से भी ट्राई किया था पर मुझे उससे ऑप्शन ए आ रहा था, तो फिर मैंने नीचे वाला भी ऐड किया तो ऑप्शन बी आने लग गया, ओके ओके मतलब ये दोनों लिया आपने ना फिर, हाँ सर, ओके करेक्ट 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 सर, 18th कर सकते हो, गुड गुड वन, किसका, किसने सॉल्व किया था ये वाला, सर समर्थ, गुड गुड समर्थ, आल्सो आफ्टर द 18th एपिसोड ऑफ सेक्शन 18th वन आंसर 20th का ऑप्शन 18 था, 18 का नीचे प्लीज, हां देवेश वाटर डज नॉट फ्लो, अब जो है ओके इसको पानी में डुबो देना है, चलो ठीक है भाई, तो पानी में जब पानी ऐसा, ये पानी में डुबो दिया, हाँ अब यहाँ से जब पानी इंटर करेगा गाइस, तो ये ऐसा इंटर करेगा ना, ऐसा गाइस इज दिस ओके, पानी जब खाली स्पेस में इंटर करेगा, यस सर,
यस सर। चलो अशोक इज दिस ओके ना ये वाला अशोक की बात है। चलो ये पानी में एच आई डूबा हुआ। चलो यहाँ पे अब जो है यहाँ का प्रेशर क्या था, पी नॉट ही था। चलो ये वाला प्रेशर पी नॉट अभी जस्ट ये पानी इंटर करने वाला है। पहले यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पी नॉट एच डॉट नीचे आ गई, यहाँ तक आ गए पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, ये मेम्ब्रेन का मुंह नीचे की तरफ है, यस नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा। तो पी नॉट प्लस रो जी एच बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच मेम्ब्रेन की उधर जाएंगे, एक ही मेम्ब्रेन है नीचे तो पानी है, एक ही मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, टू एस बाय आर बराबर पी नॉट। तो यार इससे आएगा क्या आंसर? यस सर हो जाएगा। ओके गाइस नेक्स्ट कौन सा जय आल्सो द सेकंड वन सर। आप एक बार 20 का सी ऑप्शन बता दोगे? 20 के बी और सी भी बता दो सर। आई थिंक द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द शीट आंसर बिहाइंड यू इज रॉन्ग। आई थिंक सेकंड का रॉन्ग है सर। सेकंड का मतलब एम्बिगुअस, उन्होंने हाइट पूछा पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्यूब में बोला कि वाटर लेवल से बोला। ओके जो 20th का बोल रहे हैं ना, 20th में क्या इशू आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन नहीं सर, 20th में डाउट है, 20th में भी डाउट है। ओके सॉरी सर, 20th में जो है कौन सा डाउट है भाई हमारा, क्या डाउट था? बी और सी ऑप्शन बी है। हां सर, बी में बड़े ड्रॉप्स होंगे तो हाइट डिफरेंस ही मैटर करेगा इसलिए। ओके 20 में जो है यू आर सेइंग कि बी ऑप्शन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी इज स्फेरिकल बट बिगर ड्रॉप्स आर ओवर इट। हां ओके, बिगर ड्रॉप्स में प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा भाई, है ना? तो जैसे हम लिखते थे ना यार, उसमें अभी जो किया था हमने प्रेशर का जो डिफरेंस याद है, वो एक स्फेरिकल ड्रॉप्स R1 R2 मान लिया था सर। तो मतलब ड्रॉप के बीच में। यस 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 करेक्ट ना। अच्छा सर ओके चलो ठीक है। हाँ सेकंड वाले पे ले चलो भाई। हाँ सर सी ऑप्शन, सर सी ऑप्शन। फिर से लाओ सी में। ठीक है, सी ऑप्शन में पूछा है a molecule in the surface of the liquid possesses less potential energy than the molecule in the interior. Molecule in the interior पे ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक सरफेस वाला, तो कौन सा वाला जो है ज्यादा रहेगा भाई? सर सरफेस वाले पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम रहेंगे ना, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव रहेगा। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तुम बोल रहे हो, जैसे यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी -10 से है, से -10 यूनिट्स का, और यहाँ पे -20 ऐसा कुछ रहेगा सर। यस सर, फिर वो ऊपर वाला ज्यादा रहेगा ना? नहीं ज्यादा कैसे हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है ना। ओके 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 सर, पर नीचे वाला मॉलिक्यूल तो मतलब सब साइड से उसको अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो वो कैंसिल नहीं होता। अरे नहीं, इधर ऐसा नहीं, कैसे पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स नहीं है ना सर। ऐसा कह सकते हैं कि जो नीचे वाला रहेगा उस पे नेट फोर्स जीरो रहेगा, ऊपर वाले पे थोड़ा सा इलास्टिक फोर्स रहेगा सर। एनर्जी है ना, तो स्केलर है तो नेट फोर्स कहां आएगा उसमें? एनर्जी को तो फिर ऐसे देखिए ना, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स जो उसने बताया था वो ठीक है ना? मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स तो लेस पोटेंशियल एनर्जी है बोलना चाहता था ना। यस नेगेटिव साइड, अच्छा नेगेटिव में बढ़ जाएगा। ओके सर, हाँ सर, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नीचे वाले मॉलिक्यूल पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे नीचे वाले पे हाँ ज्यादा सराउंडिंग है, तो माइनस 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 बहुत नेगेटिव ज्यादा हो गया, ऊपर वाले पे नेगेटिव्स कम है, इसलिए ऐसा टाइप है। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा था सर? सॉरी पर आप एक बार बी एक बार रिपीट कर सकते हो वापस, में ठीक से सुन नहीं पा रहा। हां सर, बी वाले में जो है जैसे बड़ा सा ड्रॉप ले लिया, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में भी जो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा P1 और P2 में। हाँ सर, और P1 को कैसे लिखोगे भाई? P1 को लिखोगे P0 प्लस 2S, चार नहीं ड्रॉप है ना, हाँ 2S बाय R1। P2 को क्या लिखोगे? P2 बराबर P0 प्लस 2S बाय R2 लिखोगे। हाँ सर समझ गया, तो H से डिफरेंस मैटर होगा। यस H से डिफरेंस मैटर, तो R1 बराबर R2 नहीं होगा। हाँ सर समझा सर, मतलब वो पहले जो सम किया था उससे सिमिलर है ना। यस 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 ओके थैंक यू सर। और कौन सा था सेकंड वाला, कौन सा विजय सर? उसमें कैपिलरी को लाइक 60 डिग्री से रोटेट किया,
फिर हाइट होगा ओके ओके ठीक है तो कैपिलरी को 16 डिग्री से रोटेट किया फिर हाइट ऊपर को होना है ठीक है जय जय देवेश हां प्लीज उसको ऊपर ओके हां हां तो उसमें इन एक्सपेरिमेंट कैपिलरी In an experiment, capillary tube is kept at a vertical, then the rises up to, water rises up to 3 meter height. Okay, take one capillary. So, इसमें जो है पानी का राइज जो है 3 mm का है. तो 3 mm का है तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखा P naught, फिर लिखा P naught minus P naught minus 2s by r, और यहाँ पे वही लिखोगे P naught minus 2s by r plus rho g h बराबर p naught हाँ अब जो है ये हो गया इधर सॉरी हाँ ये ऐसा आ गया और ये यहाँ पे अब इसको इंक्लाइन कर दिया तो इंक्लाइन कर दिया फिर लिखोगे p naught फिर यहाँ पे लिखोगे p naught माइनस मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे 2s by r लिखोगे और फिर जो है यहाँ तक आओ मुझे तो वर्टिकल हाइट ही चाहिए यार यहाँ पर P naught minus 2s by r plus rho g h बराबर P naught है ना h लिया vertical तो यहाँ से vertical height तो same आएगी हाँ अब what should be the height of water rise height of the water rise sir r need not be same ना तो ये छोटा है काफी छोटा है तो almost मतलब angle of contact zero ही मानेंगे angle of contact change नहीं मानेंगे हाँ तो अब ये बताओ कि ये जो हाइट मांगा है सर बट इफ वी गो बाय दैट फोर्स टू सरफेस टेंशन इक्वल्स एमजी वाला मेथड वी विल गेट द सेम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वाला तो उसमें अलोंग द ओके अलोंग द लेंथ हां अलोंग बैलेंस करेंगे है ना अभी एक मिनट ये बताओ मुझे बताओ कि ये जो हाइट मांगा है अलोंग द कैपिलरी मांगा है वही एम्बिग्युइटी अरे हाइट कुछ नहीं दिया तो मैं सोचता हूँ यार वर्टिकल हाइट है ना हाइट अलोंग द कैपिलरी तो यार देना चाहिए था भाई तो मेरा आंसर सर आंसर सी है आई वो हां सर पर अलोंग कैपिलरी पूछे तो ए था तो उन्होंने दोनों ही आंसर दे दिए थे आंसर दोनों दिए हैं क्या इसमें नहीं 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 सर सी दिया है पर ऑप्शंस दोनों दिए तो इससे कंफ्यूज हो गया ओके 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 नहीं हाइट दिया ना हाइट मींस वर्टिकल अगर अलोंग द कैपिलरी देना चाहिए था फिर तो ओके सर जय अब जय व्हाट वाज योर डाउट बुरा हो गया ना ये सर विस्कोसिटी में डाउट था एक सर ओके ओके सर मेरे पीओएम 2 में सर दो डाउट है वो क्लियर कर दोगे फिर मेरा हो गया So can we do first viscosity because PM2 we did in the morning ठीक है ठीक है yes sir okay चलो ठीक है तो एक बार tough वाला भी खत्म कर दो एक ही doubt था okay ठीक है भाई जल्दी करो यार एक मेरे को मैंने तुम्हें वो भेजा था देवेश वाला share कर सकते हो क्या हाँ sir दो मिनट रुकना पड़ेगा हाँ आराम से उसके बाद करना पहले viscosity का इलाज जल्दी करते हैं okay sir sir is it like a special like some difficult sum कौन सा वाला सम the one you sent to Devesh oh नहीं एक मिनट जाओ बस एक मिनट वो दिखाई देगा ना देवेश अगर हो रहा है तो भाई देख लो यार जल्दी से कौन सा शेयर करूं विस्कोसिटी वाला या वो सम एक बार जल्दी से एक मिनट लिख रहा हूं बस अच्छा ओके ये क्यों जा रहा है क्या हो गया सर वो जो मर्क्यूरी वाला क्वेश्चन था अगर उसमें ऐसा दे दिया कि इट्स अ ग्रेविटी फ्री हॉल तब सर मतलब वो स्फेरिकल ही रहेगा ना स्फेरिकल रहेगा यस एक इमेज वाला है हाँ इमेज का ऐसा कुछ खास नहीं है इजी हो जाएगा बट मुझे दिखा तो मैंने कहा हाँ भाई देखो यार यहाँ पर क्या ये आपने ही भेजा था ना सर ग्रुप पे ऐसा एक क्वेश्चन ओ ये ना करा चुका ये नहीं लेकिन सर एक सिमिलर क्वेश्चन आपने ओके ओके
थिन स्फेरिकल बबल दिया है भाई, देखो रेडियस कितना है, 8R, हाँ 8R का रेडियस स्फेरिकल, ओ दिस रेडियस इज 8R, सरफेस टेंशन 80 है इसका, 80 इसका रेडियस इज 8R, दिस इज अ थिन स्फेरिकल बबल, इसका रेडियस 8R है हाँ। फिर इज फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2R, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2R, और इज मेड अप ऑफ अ लिक्विड, और सरफेस टेंशन, ओके स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2R इज मेड अप लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 2D एंड द बबल ऑफ रेडियस मेड अप ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन प्रेजेंट साइड द लार्जर बबल विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। कौन सा 2R क्या है इसमें, ये 2R का है क्या, ओके अ ड्रॉप, हाँ ये 2R का है भाई, ये 2R का हो गया हाँ, और इसका सरफेस टेंशन 2T है यार यहाँ पर, एंड बबल ऑफ रेडियस R, ये बबल है भाई रेडियस R, इसका सरफेस टेंशन T है। मैच द प्रेशर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, इफ पी नॉट इज अ प्रेशर आउटसाइड द लार्जर बबल, यहाँ पे पी नॉट है भाई हाँ, चलो भाई बताओ जा क्या क्या होगा सर, फॉर D इट विल बी P नॉट प्लस 2T बाय D के लिए D, यार वो समझ नहीं आ रहा, प्रेशर D यू आर सेइंग ना, प्रेशर D, हां यस यस, प्रेशर D क्या होगा सर, एक ही मेंब्रेन है और P नॉट प्लस 2 इनटू 8T बाय 8R, तो P नॉट प्लस 2T बाय, हां ठीक है ठीक है चलो हाँ, पी डी हो गया सर, ए का एस हो जाएगा ना सर, नहीं नहीं बी का बताओ अभी, ये डी का आया, बी का 40 बाय 40, तो हां सो बी का 40 बाय 4D इनटू 80 बाय 8R हां 8R हां, अब ये हो गया, अभी जो है बी पे पहुंच गए, बी से ए पे आओ, ए पे क्या होगा, पी डी पी नॉट प्लस 40 बाय आर प्लस 40 by, ये ठीक है ना, प्लस 40 by और हाँ मतलब वो ये सर ऑप्शन ऐसा जाएगा ना ए का, और PC क्या होगा, PC प्लस 40 by 2 into 2T by 2T by 2R, चलो ये ठीक है क्या, सो बेसिकली हम P outside, P inside minus P outside excess pressure लिख रहे हैं और P outside उसके लिए जो outer bubble है उसका pressure ले रहा है ना, yes sir, okay sir, यार ये सबको clear है क्या ये वाला, yes sir, yes sir, okay guys, yes Devesh, yes you can take this out please, sir अभी कौन सा share करूँ, viscosity वाला, जैसे कि पूरा surface tension खत्म कर सकते हैं, वो एक बार doubt था tough वाले में, ठीक है ठीक है जल्दी बताओ ये सरफेस टेंशन टफ वाला है क्या, ओके हाँ ये टफ, टू वर्टिकल ग्लास प्लेट्स आर पार्टिकली सबमर्ज इन वाटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इतना एंड देयर विड्थ इज इतना, अज्यूम द वाटर बिटवीन द प्लेट्स नॉट रीच द अपर सरफेस, फाइंड द, ओह दिस इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन दैट, ओह वही वाला हो गया ना, हां सर इसमें वैल्यूज दिया हुआ है बस, सेम क्वेश्चन हो गया, वही वाला हो गया देवेश याद है, जो अपन ने किया था अभी ये वाला, फिर आपका ऐसा है ना पानी ऐसा उठा, ओके ओके सर समझ गया, यस सर यस, और हमने क्या लिखा था एवरेज, यहाँ पे निकाला एवरेज वाला एस बाई आर है ना, आर को डी बाई टू है ना, फिर आर को डी बाई टू रखा, फिर उसके बाद यहाँ का तो जीरो होगा, तो एवरेज हो गया दिस प्लस सी, मतलब ये वाला टू एस प्लस टू एस बाई आर प्लस जीरो बाई टू इंटू एल इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा एल इंटू एच है ना, यही वाला, हाँ सर समझ गया मैं, और कोई है क्या इसमें, नहीं सर मेरा ये जो क्वेश्चन है सर इसका आंसर अलग दिया, हम लोग को जो आंसर आता है वो टू टाइम्स द आंसर है जो इसमें दिया हुआ है, टाइम्स का ठीक है
सेम वैसे किया था क्या आपने भी जो तो सॉल्यूशन में मेथड थोड़ा डिफरेंट था, मतलब मैं समझा नहीं एनर्जी यूज किया सर। ओ एनर्जी से नहीं, अपने इससे करो फोर्स, जो अपन मैंने फोर्स से कराया था उससे करो। ओके सर, वो तो मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, मैंने कुछ देखा नहीं वाला। इससे करो, इससे आएगा सर। हां ठीक है, ये वाला हो गया। तो गाइस इसको यू कैन स्टॉप शेयरिंग दिस वन, विस्कोसिटी पे चलते हैं। देवेश इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना पक्का? नहीं सर मेरा पूरा हो गया। गुड सर, क्वेश्चन 16 16 पर निशित क्या कौन सा डाउट था भाई हमारा? हां सर मेरा भी 16 ही था। When ball is released from rest in a long viscous column, its downward acceleration is a. इसका फॉर्मूला क्या आता है यार? ये तो ऐसा वाला सिचुएशन है, पूरा कौन लिखेगा? ऐसा आता है ना? तो अब के when the this is acceleration ना, this is acceleration. When is released from और ये वाला तो bind force minus mg minus bind force का टर्म आता है, तो v is equal to zero पे ये तो आ गया आपका, ऐसा आ गया। हाँ ठीक है, अब इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आएगी भाई? टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी a बाई c2 आ जाएगी, है ना? अब आप बोल रहे हो द एक्सेलरेशन इट हैज रिक्वायर्ड 2/3 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, 2/3 ऑफ क्या हो जाएगा? a बाई c2, तो a माइनस c2 और 2/3 ऑफ a बाई c2, इसको उड़ा देते हैं। ये आंसर क्या आएगा इसका? ये ठीक है क्या? ये ना तुमने क्या किया एक बार बताओगे प्लीज? ओ यस यस यस, देखो ये तो दिख रहा है मुझे स्टोक्स लॉ वाला कॉलम। स्टोक्स लॉ में मुझे यार ऐसा दिखता है, एक तो mg दिखता है, बायंड फोर्स दिखता है और विस्कस फोर्स दिखता है, है ना? अब यार इसको मैंने लिखा था, क्या क्या लिखा था? नेट न्यूटन्स लॉ लगाया था ना, तो mg माइनस fb माइनस fp है ना बराबर mv, है ना? फिर मैंने क्या किया था, m से डिवाइड कर दिया था, इन दोनों टर्म्स को प्लग कर लिया था, तो mg माइनस fb डिवाइड बाय m माइनस fb बाय fv बाय m कर सकते हैं। यस सर। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सम कांस्टेंट c1 और ये वाला fb बाय m प्रोपोर्शनल टू v आता है विस्कस फोर्स बाय, तो उसको लिख सकते हैं c2v। यस सर। तो एक्सेलरेशन इज ऑफ द फॉर्म ऐसा आ गया, है ना? When v is equal to zero, this is the acceleration. Yes. Release में तो भाई v is equal to zero पे acceleration बराबर c1, तो ये बन जाएगा a acceleration बराबर a minus c2v. Okay, so got it sir. अब यहाँ से terminal speed कैसे निकालोगे? Terminal speed के लिए वाला acceleration zero करोगे. Acceleration zero कब होगा? उसे terminal speed क्या जाएगा? c1 by c2 और c1 की value a है तो a by c2. अब आपको वो वेलोसिटी पे जाना है, कौन सी वेलोसिटी जहां पर ये वाली वैल्यू क्या है? 2/3 ऑफ द मैक्सिमम, 2/3 ऑफ द मैक्सिमम मतलब 2/3 ऑफ a by c2, तो ये वाली v की वैल्यू डालो, 2/3 ऑफ a by c2 डाल दिया यहां पर, c2 उड़ाया, a minus 2a by 3 a by 3, got it sir। हां चलो, और इसमें वंस सर यस कौन सा डाउट है? नहीं सर ऑल क्लियर। गुड गुड, P1 P2 है यहाँ पर, by 2 highly functional liquids theta and theta 1 और theta 2 बराबर 4 theta 1, है ना? तो ये वाला है और theta 2 बराबर 4 theta 1 लिखा, है ना? Area of the दिया है, the distance between the two plates h है, then the h1 ये वाली value, है ना? h1 जो भी है x बोल देते हैं, जो भी h1 is x ना, moving plates assert the constant plate by minimum force minimum होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, फोर्स क्या आएगा? दोनों विस्कस फोर्स, चलो ठीक है, फोर्स दोनों का विस्कस होगा। विस्कस किसका आएगा? लिक्विड वन का आएगा, लिक्विड टू का भी आ जाएगा। लिक्विड वन का क्या होगा? नीटा वन एरिया डीवी बाई डीएक्स, इसकी वेलोसिटी क्या है यार? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो भी है पता नहीं क्या है, वी नॉट, हाँ डीवी बाई डीएक्स, वी नॉट बाई लेंथ, ये वाला लेंथ क्या है? एक्स एक्स बाई दो, ये वाला प्लस नीटा, नीटा क्या है? 4 नीटा 1,
चार मीटर वन एरिया and this change in velocity will be v naught minus 0 divided by h minus x and you want to minimize this force theek hai bhai minimize karna hai to meter 1 a v naught ko common nikal lete hain chalo theek hai ye wala 1 by x plus 4 by h minus x isko differentiate karna hai to isko to ye df by dx karo hai na to df by dx karenge to ye wala 1 by x square ka क्या जाएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इसका क्या होगा माइनस चार ना चार एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना फिर अंदर जाएंगे चेन रूल तो ये प्लस हो जाएगा इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या जाएगा चार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो टू एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू एच वाई थ्री आएगा क्या ये करेक्ट है यस सर यस सर सही है सो 14th में वो वाला यूज करना है इक्वेशन dq / dt इज मतलब यार मानस जो वॉइस वॉइस जो आ रहा है प्लीज चला गए 14th सर 14th वाला कौन सा भाई 14th वाला यहां ये वाला सबने कॉपी कर लिया ना सो आई विल गेट दिस वन अभिनव सर ये सब पूरा किया ना हाँ सर कहाँ है बाकी लोग आए नहीं वेर आर द अदर पीपल फ्रॉम योर बैच कोई कोई पूछे नहीं मेरा सो कांस्टेंट प्रेशर हेड अरेंजमेंट मींस डेल्टा पी इज कांस्टेंट ना इन बोथ द सेटअप्स गाइस इसका क्वेश्चन मुझे समझाओ कैसे करना है ये वाला सर q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 4 पॉइसेलीज इक्वेशन से होगा ना नहीं एक कैपिलरी ट्यूब इज हॉरिजॉन्टली देखो कांस्टेंट प्रेशर हेड अरेंजमेंट हेड डिफरेंस इज द रेडियस इज द कैपिलरी इज इंक्रीज्ड और ये नहीं तो 10% का है ओके 10% का रेडियस इंक्रीज तो वो अभी तो ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल डेल्टा q रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है पाई डेल्टा p r टू पावर 4 ऑफ ए डीटा एल है ना यार 10% तो ज्यादा हो गया यार 10% ज्यादा हो गया तो आपको क्या है डेल्टा ये अप्रोक्सीमेशन वाला चलेगा नहीं एक्चुअली आ रहा था आंसर यहाँ पर जो है नहीं हाँ मतलब अगर कि अप्रोक्सीमेशन के अराउंड ही आएगा मतलब इसे डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हो 44 43 44 ऐसा आ रहा था हाँ नहीं तो अगर सही में लाना है तो देखो कैसे निकालोगे डेल्टा क्यू बाई क्यू निकालना है ना आपको तो क्या करोगे डेल्टा क्यू बाई क्यू करोगे ये सब तो हटा दो सी आर टू पावर 4 लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे 10% मतलब 1.1 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 1 टू द पावर 4 और ये कितना होगा यार ये वाला सर इससे एग्जैक्ट 0.4641 आता सर ये वैल्यू ओके 0.4 अरे हाँ परसेंटेज चाहिए चलो सॉरी सॉरी यार ये 10% है इसलिए अप्रोक्सीमेशन ही लगाना लेकिन हाँ अगर मान लो अप्रोक्सीमेशन लगाते तो कितना आता 4 डेल्टा आर बाय आर आता है ना मतलब ये 40 आता भाई थोड़ा सा ज्यादा एरर है तो 40 से ज्यादा कैलकुलेशन कौन करेगा टाइम वेस्ट होगा इसको और बाकी सब तो वे ऑफ है माइनस दिख रहा है ये भी माइनस है ये तो होगा नहीं इसको मार्क करो आंसर बढ़ो आगे हाँ भाई नेक्स्ट वाला राउंड सर माइनस मतलब स्लो हो जाएगा ना माइनस मतलब कम हो गया भाई कम कैसे होगा ओके सर नेक्स्ट वाला भाई ये वाला हो गया ना और कौन सा डाउट बचा है यार सबके हो गए क्या चलो सर एक पूछना था हाँ कि एक सेकंड हाँ सर ये सब वन सेकंड आई विल जस्ट फ्रेम माय डाउट सर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद एसएचएम गाइस हां व्हाट इज योर सजेशन क्योंकि शुड बी और नॉट क्योंकि देखो फिर उसके बाद एसएचएम के बाद वेव्स है फिर तब 11 जाके 11 का खत्म होगा फिर हमारा वेव्स के बाद फिर वो सब बाकी है ना वेव्स में भी यार स्ट्रिंग वेव साउंड वेव्स और ना व्हाट डू यू सजेस्ट मतलब आगे कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना थोड़ा सा फिर आपका एमडी नेक्स्ट डीडब्ल्यूडी कब आ रहा है तो 2 वीक्स आफ्टर है वो भी ग्रेविटेशन का है
हाँ उसके 2 weeks के बाद तो वो है ना, 1 महीने के बाद exact. Empty. Yes sir, SHM. हाँ. नहीं sir, SHM का TWD है फिर gravitation के बाद. हाँ. और empty में SHM आ रहा है. Yes sir, आ रहा है. तो इसलिए what do you suggest? मेरा तो opinion है sir, start करना चाहिए, but as you guys say. Yes sir. Start SHM. Okay 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 ठीक है. Yes, sir, मुझे एक डाउट था, वो जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट था आपने जो किया था वो डबल बबल वाला, तो उसमें आपने बोला था कि 120 डिग्री होगा बाय लामी थ्योरम, तो मतलब कोई भी डबल बबल फॉर्म होगा तो हमेशा 120 डिग्री होगा? यहाँ पर जो नो सेम मैसोप के थे, सेम मटेरियल था, इसलिए मैंने से लिया, बाकी का तो कैसे बता पाएंगे. अगर एकदम वो डबल बबल अगर एकदम उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एकदम छोटा था तो भी 120 डिग्री होता था वैसा? काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जाएगा हाफ मास और स्पीड स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी एट टर्मिनल स्पीड डिफाइन कर लेते हैं. तो इसमें जो है मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ ये वाला हो गया, और ये आर स्क्वायर हो गया भाई, तो आर टू पावर 4 हो जाएगा है ना. काइनेटिक एनर्जी ये कितने आ गया यार, आर टू पावर 7 में चला जा रहा है. ठीक है सम आर टू पावर 7 और ये वाला आर स्क्वायर हो गया. और कौन सा फैक्टर है? बाइंड फोर्स. बाइंड फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी. तो बाइंड फोर्स जो है सम कांस्टेंट C1 इनटू R क्यूब का चला गया. और कौन सा आ गया? तो अब क्या क्या निकालना है हमें, किसका किसका रेशियो निकालना है भाई? फिर इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है यार, कीड़ा है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है. हाँ सर, इसलिए मैं एक बार मुझे काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछना था. नहीं रुको, K/K' मतलब K' हो सकता है फाइनल वाला, K इनिशियल वाला रेशियो निकालो तो डबल करोगे तो 2^2 ये होगा 2^7. हाँ सर, बस मुझे आपसे यही कंफर्म करना था कि वो 2^7 होगा, क्योंकि उन्होंने वो ऑप्शन दिया नहीं है ना, इसलिए शायद वो प्रिंट नहीं हुआ. और ये क्या है, बाइंड फोर्स कहाँ गया? नहीं, विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स कहाँ चला गया? विस्कस फोर्स तो 6/8R ही ना. यस सर. तो विस्कस फोर्स कहाँ चला गया? 6/8R आर क्यूब वाला आ जाएगा. ये वाला 2^3 हो जाएगा. Yes, 2^2 हो जाएगा. ठीक, ये क्या है? बाइंड फोर्स है. ये वाला भी 2^3 हो जाएगा. ओके, मैंने शायद बी ऑप्शन दिया नहीं. ओके ठीक है, चलो ठीक है. यस गाइस, ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है ना, ये आपका, ये सबको समझ में आया ना गाइस, कैसे कंपेयर करें K'K, F'F'V, R'V. यस सर, ठीक है. चलो गाइस, और कोई डाउट इसमें? सर STPUM2 में. STPUM2 में ठीक है, जल्दी बताओ. यस सो 17th सम और 23rd सम. चलो ठीक है, जल्दी दिखाओ, जल्दी करो, भूख लग रहा है खाना खा रहा है. हां ST, ये कौन सा है यार, ये वाला? सो PUM2 सर, ये कैन यू स्क्रीन शेयर लाइक देवेश को, फिर उसने पूरा कर रहा है, उसको हम पढ़ना होगा शायद. सर मैं कर सकता हूँ. देवेश लाइक यू तो कर दिया मैंने. ओके ओके चलो. हाँ भाई, इसमें कौन सा करना है बताओ भाई. मैं क्या सर 17th और 23rd. 17th और 23rd, एक मिनट. हाँ 17th एंड 23rd. मैक्सिमम एक्सेल प्रेशर इनसाइड थिन वॉल स्टील ट्यूब. ओ ट्यूब वाला, ट्यूब वाला तो वो वाला था ना, ये वाला अपन ने जो किया था सम रिडो वाला. तो जो है कैसे किया था इसमें, एक्सेस प्रेशर के लिए जो है ये वाला, हाँ ब्रेकिंग स्ट्रेस
फोर्सेस बैलेंस कर दिए थे, तो इसमें जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या लिखा था, मैक्सिमम एक्सेस प्रेशर, एक्सेस वाला प्रेशर, ठीक है, तो सिग्मा बी इंटू ये लेंथ एल मान लेते हैं, एल इंटू डेल्टा आर, ऐसे दो साइड है ना, और बाकी कौन सा आ जाएगा, पी एक्सेस इंटू रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, एल इंटू टू आर, तो भाई ठीक है, एल कटा यहाँ से, तो यहाँ पर पी एक्सेस कितना हो जाएगा, टू सिग्मा डेल्टा आर बाय आर, मैथ्री इज दिस ओके, यस सर, अंडरस्टूड ना, यस सर, ओके ओके, हाँ नेक्स्ट बताओ सर, 23rd वाला, ठीक है भाई, 23rd क्या है, the ratio of the kinetic energy to potential energy, क्या क्वेश्चन है, a ring of radius r is made up of the integral rho, इतना दिया है, ring rotates with the angle, okay, tension in the ring, हाँ okay वाला, हाँ ठीक है भाई, क्या निकालेंगे, kinetic energy, kinetic energy क्या हो जाएगी, half mass into speed square, mass of each element into speed square, speed of each element is same, तो simply half mass into speed square, mass को क्या लिखोगे, density, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन ए दिखाया है, और लेंथ हो जाएगा इसका 2πr, ये हो गया हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर, स्पीड क्या लिखेंगे, आर ओमेगा, आर और ओमेगा रेडियस और ओमेगा दिया है ना, हाँ ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो भैया काइनेटिक एनर्जी हो गई है ना, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाला निकाल लेते हैं, तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, या इससे करना चाहिए हाफ के एक्स स्क्वायर, या एफ स्क्वायर बाई टू के कर लेते हैं ना, एफ स्क्वायर बाई टू के, क्योंकि ना यहाँ से अगर आपने टेंशन यहाँ पे निकाला है तो फोर्स निकाला होगा, भाई ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आया था 22nd के लिए, तो बी ऑप्शन, कितना बी ऑप्शन आ गया था ना, एफ स्क्वायर, तो ए रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर F square divided by 2K. K क्या लिखोगे यार इसका, y area by length. Length क्या हो जाएगा, 2 pi r. Is this okay? Okay sir, thank you. अब इसका रेशियो निकालना है, हाँ वो कर लो, हाँ चलो, हाँ guys, और कोई डाउट, चलो ठीक है गाइस, फिर ठीक है, आज फिर नहीं करते हैं, चलो थैंक यू ऑल, बाय, थैंक यू सर, बाय गाइस, थैंक यू गाइस, गुड नाइट. थैंक यू सर, थैंक यू देवेश.